हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव शयन हो जाने के बाद से प्रारंभ हुए चातुर्मास का समापन कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन देवोत्थान उत्सव होने पर होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देव उठनी एकादशी बुधवार 25 नवंबर को है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए सो जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन चातुर्मास का अंत हो जाता है और शादी विवाह के काज शुरू हो जाते हैं। देवोत्थान एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 नवंबर को रात्रि 2:42 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 26 नवंबर को सुबह 5:10 पर होगी। इस तिथि पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के साथ ही तुलसी की भी विशेष पूजा की जाती है। तुलसी का विवाह विष्णु के स्वरूप शालिग्राम से करवाया जाता है। मान्यता है कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव शयनी के दिन भगवान विष्णु सो जाते हैं के बाद देव प्रबोधिनी यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को 4 महीने बाद भगवान जागते हैं। ये देव के जागने यानी उठने की तिथि है, इसीलिए इसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। भगवान के जगने से सृष्टि में तमाम सकारात्मक शक्तियों का संचार होने लगता है। इस दिन भगवान के जागने का उत्सव देवता गण भी व्रत पूजन द्वारा मनाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि देवउत्थान एकादशी पर सुबह फल प्राप्ति के लिए क्या करें। प्रबोधिनी एकादशी या देवउठनी या देवोत्थानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। भगवान विष्णु से जागने का आह्वान किया जाता है। इस दिन सुबह सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं, लेकिन धूप में चरणों को ढक दें। इसके बाद एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल मिठाई ऋतुफल और गन्ना रखकर डलिया से ढक दें। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाए जाते हैं। रात में पूरे परिवार के साथ भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। शाम की पूजा में सुभाषित स्त्रोत पाठ भगवत कथा और पुराणादि का श्रवण व भजन आदि गाया जाता है।